इस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा उभरते हुए आलमी खतरात का सामना करने के लिए तैयार है। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि हम मुख्तसर और तवील मुद्दत में यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। बहरुल काहिल और बहरुल हिंद में हमें जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में स्कूलों में होने वाली हड़ताल मनसूख। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज का कहना है कि हड़ताल को रोकने के लिए कैनेडियन हुकूमत के साथ एक आर्जी मुहायदा किया है। सूबे के वजीर तालीम का कहना है कि इस मुहायदे से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हमारे बच्चे हैं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में इतवार के रोज होने वाली शदीद बर्फबारी के सबब निजामी जिंदगी मुतासिर। सूबे के चंद हिस्सों में 47 सेंटीमीटर तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। माहरीन की आने वाले दिनों में दर्ज हरारत 0 से ऊपर रहने की पेशगोई। न्यूयॉर्क में बर्फ का गैर मामूली तूफान, मामूलात जिंदगी मफलूज, अलर्ट्स जारी। 6 फीट से जायद बर्फ के 22 ट्रैफिक मौतल और मुतादित परवाजें मनसूख हो गईं। गवर्नर न्यूयॉर्क का कहना है कि बर्फबारी में फंसे 250 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में जलजला, 44 अफराद हलाक और 300 जख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 थी। जलजले के झटकों से जकार्ता में भी मुतादित इमारात 3 मिनट तक लरसती रहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा की वजीर दिफा का इसरार है कि कनाडा उभरते हुए आलमी खतरात का सामना करने के लिए तैयार है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद का इसरार है कि कनाडा उभरते हुए आलमी खतरात से निमटने के लिए तैयार है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पोलैंड में मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन में रूस की जानिब से नेटो मुल्क में जंग छिड़ने के खदशात पैदा हुए। वजीर आजम और चीन के सदर के दरमियान तनाव की बातचीत वीडियो पर पकड़ी गई। शुमाली कोरिया एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया और कनाडा के ऑडिटर जनरल की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हफ्ते आर्कटिक का सही तरीके से सर्वे करने के लिए तैयारी का फुकदान है। एक इंटरव्यू के दौरान आनंद ने कहा कि हमें नेटो के लिए अपने कसीरुल जहदी इत्तेहादों और यूक्रेन के लिए दो तरफा तावुन में हिस्सा डालने के काबिल होने की ज़रूरत है। साथ ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम हिंद बहरुल काहिल में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत के लिए अपनी मौजूदगी रखते हैं और हम ऐसा ही कर रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में सामने आया जब इस हफ्ते के आखिर में हेलीफैक्स में जमहूरियतों के दिफाई रहनुमाओं का दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हो रहा है। हफ्ते को आनंद ने यूक्रेन के लिए हिमायत की तस्दीक करने के लिए रियासत हाई मुतहदा के सेक्रेटरी दिफा लाइट ऑस्टन के साथ एक दो तरफा मीटिंग की और दीगर मौजूदात के साथ साथ नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड में अपग्रेड पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि हम मुख्तसर और तवील मुद्दत में यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और इसीलिए कनाडा ने पोलैंड को मारने वाले उन दो मिसाइलों की तहकीकात में अपनी हिमायत की पेशकश की है। दनी असना चीन के साथ कनाडा के ताल्लुकात इस हफ्ते इस वक्त मरकज बन गए जब चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रूडो से मुकाबला करने की एक वीडियो वायरल हुई जिसने बहुत से लोगों को ताल्लुकात की हालत के बारे में कयास आराइयां करने पर उकसाया। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज का कहना है कि ऑन्टेरियो हुकूमत के साथ हफ्ते के आखिर में मजदूरों के मुज़ाकरात के बाद हड़ताल को रोकने के लिए एक आर्जी मुहायदा किया गया है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में स्कूलों में होने वाली हड़ताल मनसूख कर दी गई। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज का कहना है कि उसने ऑन्टेरियो हुकूमत के साथ
हफ्ते के आखिर में मजदूरों के मुजाकरात के बाद हड़ताल को रोकने के लिए एक आर्जी मुहैदा किया है। ये मुहैदा कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज और सूबे के दरमियान हफ्ते के आखिर में तवील मुजाकरात के बाद सामने आया है। यूनियन की सौदेबाजी करने वाली टीम ने एक ट्वीट में कहा, कल कोई नौकरी की कार्रवाई नहीं होगी। हमारे मेंबरान तलबा की मदद जारी रखने के लिए स्कूलों को रिपोर्ट करेंगे जिनके साथ काम करने पर हमें फख्र है। मुहायदे की अभी भी क्योप मेंबरान की जानिब से तौसीक की जरूरत है। जुमेरात को वोटिंग शुरू होने की तवक्को है और अगले हफ्ते के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। क्योप की ओंटेरियो स्कूल बोर्ड काउंसिल ऑफ यूनियंस की सदर लॉरा वाल्टन ने तस्दीक की कि 170 दिन की सौदेबाजी के बाद टीम एक आर्जी मुहायदे पर पहुंच गई। तहम उसने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की कि मुहायदे में क्या था। ओंटेरियो के वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने कहा कि नया मुहायदा बच्चों को इस्तेहकाम फराहम करेगा और बच्चों को क्लासरूम में रखेगा। ये एक मुस्बत नतीजा है। हम हुकूमत के साथ काम करने के लिए तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। इस मुहायदे से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हमारे बच्चे हैं जो कुछ इस्तेहकाम हासिल करने जा रहे हैं और स्कूलों में रहने के काबिल हो जाएंगे। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में इतवार के रोज़ होने वाली शदीद बर्फबारी के सबब निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में इतवार के रोज़ होने वाली शदीद बर्फबारी के सबब निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। जनूबी ओंटेरियो और सॉल्ट सिटी के कुछ हिस्सों के लिए मुतअद्दिद बर्फानी तूफान की वार्निंग्स और मौसमी मशवरे जारी किए गए। ताकतवर हवाएं और तूफान सूबे के बड़े हिस्सों में सफ़ेदी की सूरत हाल, बर्फीली सड़कों और खतरनाक सफर का बाइस बना। माहौलियात कनाडा के माहिर मौसमियात डेविड रॉजर्स ने कहा कि वायरटन और मशरक में ओन साउंड की तरफ हालात खास तौर पर शदीद थे। माहरीन के मुताबिक सूबे के चंद हिस्सों में 47 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वायरटन में बुध को जमीन पर सिर्फ 3 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी थी, लेकिन जुमेरात की शाम से शुरू होने वाली कई दिनों की बर्फ ने इतवार की दोपहर के वक्त तक इस तादाद को 105 सेंटीमीटर तक पहुंचा दिया था। एनवायरनमेंट कनाडा ने बर्फ उड़ाने की वजह से हद निगाह में कमी के बारे में खबरदार किया था। ओंटेरियो की सूबाई पुलिस के हाईवे सेफ्टी डिवीजन ने तूफानों की वजह से गढ़ों में तसादुम और गाड़ियों के मुतादित कॉलों की इत्तला दी थी। मौसमियाती एजेंसी ने बैरी, पीटरबोरो, मिसिकोगा, ग्रेब्रोस और वाटरलो समेत इलाकों के लिए वार्निंग भी जारी की थी, जिसमें इतवार की रात तक कुछ मकामात पर 50 सेंटीमीटर तक गिरने की पेशगोई की गई थी। माहरीन ने आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 0 से ऊपर रहने की पेशगोई की है। माहरीन का कहना है कि हम अगले हफ्ते या इससे ज्यादा तक इस तरह की बर्फबारी नहीं देखेंगे। न्यूयॉर्क की गवर्नर के मुताबिक बर्फानी तूफान में फंस जाने वाले 250 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। ताहम मुसलसल बर्फबारी के बाइस रेस्क्यू वर्कर्स को मुश्किलात का सामना है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फ के गैर मामूली तूफान से मामूल की जिंदगी मफलूज हो गई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 6.5 फिट बर्फबारी ने मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। बर्फानी तूफान के बायस ट्रैफिक मुतासर हुआ और दरख गिरने के वाकयात समेत अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। एरी काउंटी में रास्तों से बर्फ हटाने के दौरान 2 अफराद हलाक हो गए। मुसलसल बर्फबारी के बायस सड़कें और गलियों में बर्फ की तह जमने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बर्फानी तूफान के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। दरख्त गिरने से अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतअद्दिद परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने 11 काउंटीज में हंगामी हालत नाफिज करने की दरख्वास्त कर दी। न्यूयॉर्क के गवर्नर के मुताबिक बर्फानी तूफान में फंस जाने वाले 250 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। ताहम मुसलसल बर्फबारी के बायस रेस्क्यू वर्कर्स को मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी से बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर होने से मुतादिद घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हुकाम ने लोगों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। वाज़ेह है कि अमरीका की रियासत फ्लोरिडा और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता माह शदीद समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी थी। उस समंदरी तूफान के नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और हज़ारों बेघर हो गए थे, जबकि मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम और बिजली से मुल्क का वसी हिस्सा महरूम हो गया है। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में जलजले से 44 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में जलजले से 44 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज वेस्ट जावा का इलाका सियांजर था और उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 थी और इसका मरकज जावा के मगरबी इलाके में
10 किलोमीटर गहराई में था। जलजले के झटके जकार्ता में महसूस किए गए। जलजले के झटकों से जकार्ता में भी मुतादित इमारात 3 मिनट तक लरस्ती रहीं, जबकि कुछ को खाली भी कराया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में इंडोनेशियन हुकाम के हवाले से बताया गया है कि पीर की सुबह इंडोनेशिया के जजीरे जावा में आने वाले जलजले से मुतादित इमारतें गिर गईं। इमारतों के मलबे में बहुत से लोग दबे हुए हैं। जलजले से अब तक की इतला के मुताबिक 44 अफराद हलाक हो चुके हैं। इलाके में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जा रहे हैं। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। ख्याल रहे कि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर यानी मुसलसल जलजले और आतिशफिशा के धमाकों वाले इलाके में आबाद है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।